Hello children, today we will start second chapter of English First, that is Red Rose. So chapter 2 is Counting the Horses. घोड़ों की गिनती. अलगू लिव इन ए विलेज नियर ए हिल. अलगू पहाड़ी के पास एक गांव में रहता था. ही यूज्ड टू बाय एंड सेल हॉर्सेस. वह घोड़ों को खरीदने और बेचने का काम करता था. वंस ही हैड 10 हॉर्सेस. एक बार उसके पास 10 घोड़े थे. वन डे ही वेंट टू वीकली मार्केट इन द नियर बाय टाउन. एक दिन वह साप्ताहिक बाजार में बगल के शहर में गया. ही रोड वन हॉर्स. वह एक घोड़ा चला रहा था. ही मेड ऑल अदर हॉर्सेस वॉक बाय हिज साइड. उसने बाकी सभी घोड़ों को अपने अगल बगल चलने दिया. ऑन द वे दे क्रॉस्ड ए रिवर. रास्ते में उन्होंने एक नदी को पार किया. अलगू सेड आई विल काउंट माई हॉर्सेस. अलगू ने कहा मैं अपने घोड़ों को गिनूंगा. नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए. ही काउंटेड द हॉर्सेस. उसने घोड़ों को गिनना शुरू किया. बट ही डिड नॉट काउंट द हॉर्स ही वॉज राइडिंग. परंतु उसने उस घोड़े को जिसपे वह बैठा हुआ था उसे नहीं गिना. ही फाउंड 9 हॉर्सेस. उसे 9 घोड़े मिले. ही काउंटेड अगेन. उसने फिर से गिना. स्टिल देयर वर 9 ओनली. अभी भी केवल 9 थे. ओ गॉड सेड अलगू. अरे भगवान, अलगू ने कहा. आई हैव लॉस्ट वन हॉर्स. मैंने एक घोड़े को खो दिया. अलगू वॉज सैड. अलगू बहुत दुखी था. ही जंप ऑफ द हॉर्स. वह घोड़े से कूद कर उतरा. ही काउंटेड अगेन. उसने फिर से गिना. दिस टाइम ऑल द 10 हॉर्सेस वर देयर. इस बार सारे 10 घोड़े वहां पर थे. ही रोड वन हॉर्स एंड काउंटेड. वो एक घोड़े पे चढ़ा और उसने फिर से उन्हें गिना. अगेन देयर वर ओनली 9 हॉर्सेस. फिर से केवल 9 घोड़े थे. ही जंप ऑफ द हॉर्स. वह घोड़े पर से कूद कर उतर गया. ही काउंटेड वंस अगेन. उसने फिर से एक बार गिना. देयर वर ऑल द 10 हॉर्सेस. अब पूरे 10 घोड़े थे. अलगू सेड व्हेन आई राइड आई लूज वन हॉर्स. अलगू ने कहा जब मैं घोड़े पे सवारी करता हूं तो मेरा एक घोड़ा खो जाता है. ओ गॉड बी काइंड.
हे भगवान मेरे प्रति दयालु बनिए, आई शैल ओनली वॉक, मैं पैदल ही चलूंगा, आई मस्ट नॉट लूज एनी, मैं कोई भी घोड़ा होना नहीं चाहता हूँ।